रुद्रचंद का जो कार्यकाल था वो 1568 से 97 तक था और वह बालो कल्याण चंद के पुत्र थे। रुद्रचंद का जो कार्यकाल था वो 1568 से 97 तक था और वह बालो कल्याण चंद के पुत्र थे। जो बालो कल्याण चंद्र थे उन्होंने राजधानी स्थानांतरण की थी। जो राजधानी स्थानांतरण की जो योजना थी वो बनाई गई थी भीष्म चंद के द्वारा, लेकिन जो राजधानी को स्थानांतरित किया था वो किया था बालो कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद की एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि उन्होंने जो सोर का जो क्षेत्र था वो बड़ी कूटनीति से प्राप्त किया था। तो उन्होंने अपने रानी से, जो कि डोटी के रेखा रिमल्ल की बहन थी, उनसे ये कहा कि जो सीरा क्षेत्र उसे दहेज में मांगा, लेकिन हरिमल ने सीरा क्षेत्र की जगह जो सोर क्षेत्र था वो बिना ही लड़े पालो कल्याण चंद को दे दिया था। तो इस तरीके से सोर क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था बालो कल्याण चंद ने। फिर बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद। तो रुद्रचंद जो कुमाऊं के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। तो बालो कल्याण चंद की मृत्यु के बाद जो रुद्रचंद था वो एक अल्पायु में था, बहुत ही छोटी उम्र थी। तो उस समय जो सत्ता थी वो संरक्षकों के हाथों में आ गई। तो उसके समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, उस समय जो लखनऊ का सूबेदार था हुसैन खान टुकड़ियाँ, वो कुमाऊँ क्षेत्र में बहुत ही आक्रमण किया करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो कुमाऊँ के जो मंदिर है और लोगों के पास बहुत ही धन और संपत्ति है, बहुत ही सोना है। तो इस कारण वह बार बार कुमाऊँ क्षेत्र पर आक्रमण किया करता था। तो कुछ समय बाद हुसैन खान टुकड़िया को काठगोला की भी जागीर दे दी गई थी और कुछ समय तक कुमाऊँ क्षेत्र में शांति रही। लेकिन 1575 आते आते उसने फिर से तराई बावर क्षेत्र में आक्रमण शुरू कर दिया। अब जो यहाँ के जो लोग थे, जो कुमाऊँ क्षेत्र के लोग थे, वो ऊंचे शिखरों में जाकर तो पत्थर और बाणों से टुकड़िया की सेना का सामना किया करते थे, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली सेना हुआ करती थी टुकड़िया की। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि पुराने घावों के कारण हुसैन खान टुकड़िया की मृत्यु हो गई, और इसी का लाभ उठाते हुए रुद्रचंद ने जो तराई जो कुमाऊँ क्षेत्र में बसे हुए मुस्लिम थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया। अब यह सूचना सब अकबर तक पहुँची तो अकबर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने रुद्रचंद पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। तो माना जाता है कि उससे पहले ही रुद्रचंद अकबर से भेंट करने पहुंच गए। तो यह घटना 1588 की है। इसका उल्लेख किया गया है जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी में। तो उसमें यह लिखा गया है कि जो ये राजा था रुद्रचंद लाहौर पहुंचा था और उसने, यह घटना है 1588 की। तो उस समय जो रुद्रचंद था वो लाहौर पहुंचा और उसने बादशाह को बहुत से उपहार दिए, जैसे कस्तूरी घोड़े वगैरह, इस तरीके के तोहफे वह लाया था रुद्रचंद। और अकबर ने उसे नागौर के युद्ध में भी भेजा था। तो उसके युद्ध कौशल से और उसकी विनम्रता से अकबर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने 84 माल का जो तराई बावर की जो क्षेत्र था उसे जागीर के स्वरूप दे दिया। तो इस तरीके से यह घटना घटित हुई थी। उसके बाद जो रुद्रचंद था उसके बीरबल से और उसके पुत्र से बहुत ही अच्छे मधुर संबंध भी थे। जो बीरबल का पुत्र था वो रुद्रचंद का पुरोहित था। तो उसके वंशज प्रतिवर्ष चंद वंश के पतन तक दक्षिणा लेने अल्मोड़ा आया करते थे। अब हम बात करते हैं सीरा क्षेत्र की। अब बालो कल्याण चंद था जो इनके पिता थे, उन्होंने सोर क्षेत्र तो प्राप्त कर लिया था लेकिन अभी भी सीरा क्षेत्र प्राप्त करना बाकी था,
जो कि हरिमल्ल के अधिकार में था। तो इसने सीरा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया था, लेकिन शुरू के प्रयासों में उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन कुछ समय बाद जो सीरा का जो किला था उसको कुमाऊँ सेना ने घेर दिया और अंदर जाने वाली जो सारी रसद थी किले की उसे बंद कर दिया। इस तरीके से जो सेना थी, डोटी की जो सेना थी, वो दुर्बल पड़ गई। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था उसके सेनापति पुरुषपंत का, और पुरुषपंत में पंत ने आखिरकार चंद राज्य का झंडा किले में फहरा दिया। तो इस तरीके से पुरुषपंत की सहायता से उसने सीरा क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया था रुद्रचंद ने। रुद्रचंद बड़ा उत्साहित हो गया और उसने उसके बाद बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जो कि पंवार वंश के अधीन था। पंवार वंश की जो सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। उसके जो युद्ध हुआ बधानगढ़ के युद्ध में, पुरुषपंत मारा गया, लेकिन रुद्रचंद ने बदला लेने के लिए जो उसका सहयोगी था, गढ़ राज्य का जो सहयोगी था सुखलदेव, जो एक कत्यूरी राजा था, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इसके बाद कुछ घटना भी, जैसे उसने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी, अल्मोड़ा का जो मल्ल महल था वो भी रुद्रचंद ने बनाया था, जैसे गढ़वाल क्षेत्र में जो सरोला ब्राह्मणों की एक मंडली हुआ करती थी, उसी तरीके से कुमाऊं क्षेत्र में रुद्रचंद ने चौधाणी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। अब जो रुद्रचंद के समय एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि उसने भूमाप और भूकर इसका निर्धारण किया था। इस कार्य में उसके एक नेत्रहीन पुत्र था, उसका नाम था कुंवर शक्ति सिंह। उसने बहुत ही सहायता की थी भूमाप और भूकर में। जो कुंवर शक्ति सिंह था उसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। अब उसके समय में बहुत से ग्रंथों की भी रचना हुई थी, जैसे सेन शास्त्र और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। ये दो ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके समय के। उस समय जो रुद्रचंद था वो यहाँ के युवाओं को राजकीय खर्च पर कश्मीर और काशी भेजा करता था, ताकि संस्कृत का अध्ययन कर सके। उसने अल्मोड़ा में भी संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। तो इस तरीके से रुद्रचंद के समय में बहुत से कार्य हुए, जिससे जो कुमाऊँ राज्य था बहुत ही फला फूला। तो आज हम